उमेर, आप नहीं सुधर सकते। तो तुम सुधर जाओ। वो अब तुम्हारे अंदर वो कीड़ी है ना सफाई की, उसको मार दो। कीड़ी? हाँ, कीड़ी, कीड़े का फीमेल वर्जन। बहुत मुश्किल है जनाब, ये कीड़ रग रग में बस चुकी है। और बस बस बस, जानता हूं। सच उमेर, बहुत थक जाती हूँ। सदफ? यार वो पैरट्स को किसी ने खाना दिया है? उस्मान ने दिया होगा, मैं पूछ के आती हूँ। अब नहीं, तुम रुको, मैं पूछ के आता हूँ। उस्मान, बेटा पैरट्स को खाना दिया है? नहीं बाप, भूल गया। उस्मान, अगर मुझे याद नहीं आता बेटा तो वो तो भूखे रह जाते। सॉरी बाप, भूल गया। रमजान की रूटीन ही इतनी डिफरेंट है, पूरा दिन इतनी भूख लगती है कि याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मोबाइल में अलार्म लगा लो। उमर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भाई को याद दिलाओगे कि उसने बर्ड्स को खाना देना है, ओके? देखो, रोज़ा हमारा होता है, उनका नहीं। उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जाओ और जाकर उनको खाना दो, जाओ। जब तक उस्मान वापस आता है उस वक्त तक हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं। आ जाओ। कहाँ रह गए थे इतनी देर? यार वो बच्चों के साथ गेम खेल रहा था। सुबह उठना नहीं है सही में? ऊपर के चक्कर तो बार बार मुझे लगाने पड़ते हैं ना। ओ, मेरी प्यारी बेगम। अम्मी को कॉल की थी मैंने। अरे यार, मेरी भी बात करवा देती, 3 दिन हो गए हैं मैंने उनको फोन नहीं किया। मेरे ख्याल में आप नीचे थे ना। खैर, टिकट करवा ली है उन्होंने, नेक्स्ट वीक फ्लाइट है उनकी कनाडा की। अच्छा, शार ईद में अम्मी नहीं होंगी, घर जो है ना वो सूना सूना लगेगा अम्मी के बगैर। खैर, पप्पू जान तो होंगी। जी, शायद इसीलिए अम्मी ने मेरी बात भी करवाई उनसे। वाकई? अचानक से कह दिया पप्पू जान बात करेंगी। आफरीन है उन पर, मजाल है जो सीधे मुंह बात की हो। लेकिन मैंने भी उन्हें ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। तुम तो उनसे ऐसे चिढ़ती हो जैसे वो मेरी फुप्पो नहीं, मेरे बच्चों की फुप्पो हो। अल्लाह ना करे, मेरी नंद तो लाखों में एक है। परदेश में जो है, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। इतना वक्त गुजर गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन फुप्पो जान वहीं की वहीं अटकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ी। तुम भी तो उनके लाडले लाडले भतीजे को ले उड़ी। हाँ तो कर लेते उनकी मर्जी से शादी। हाय, क्या करे, कोई दिल और नजरों पर छा गया था। यार उमेर, मुझे तो अम्मी पे तरस आता है, कैसे करती हैं गुजारा। ऐसे नहीं कहो सदफ, अप्पू जान ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। दादू जान के बाद सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, घर की बड़ी थी, हम सबका बहुत ख्याल रखा, इसीलिए आज तक उन्होंने शादी भी नहीं की और जिंदगी में तन्हा रह गई। तन्हा? सबके साथ तो रहती हैं। हाँ, सबके साथ रहती हैं, इसीलिए अकेली नहीं है, लेकिन अपनी जात में तन्हा जरूर है। इतनी गहरी बातें मेरे तो सर से गुजर गई, बल्कि दाएं बाएं से। इसीलिए कहता हूँ किताबें पढ़ा करो, किताबें। जी, अगर वक्त मिले तब ना। अच्छा, लाइट्स ऑफ कर देना, मैं सोने लगा हूं। उमर उस्मान बेटा उठो, सहरी का टाइम हो गया है। उठो बेटा, सहरी का टाइम हो गया। शाबाश, गुड बॉयज। उमर, जोहर के बाद बाजार चलें क्या? बाजार अभी से क्यों जाना है?
अरे भाई जारा के लिए भी तो कुछ भिजवाना है ना। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। लेकिन यार दोपहर में बाजार, बहुत गर्मी है आजकल। शाम में बाजार तो पहले अशरे के बाद ही खुलेंगे। मम्मा पहले अशरे की दुआ क्या है? उमर आपको पहले अशरे की दुआ याद नहीं? मम्मा मुझे याद तो तीनों अशरों की दुआ है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तो बेहतर रहम फरमाने वाला है। अच्छा सुनो, जल्दी से सहरी करके टीथ ब्रश करना, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है। और पराठा भैया। सदफ आज ही ले लेना सब कुछ। जी जी, जारा से बात हो गई है, उससे भी पूछ लिया मैंने। लड़ाई हो जाएगी मेरी फरा से। क्यों, क्या हुआ? ये देखें, ये कैसी खातून है, अपना घर साफ करके कचरा किसी और के घर के सामने रख देती है। खून खोल रहा है मेरा, ना दीन ना ईमान। अच्छा अच्छा सदफ, रिलैक्स। कैसे रिलैक्स रहूं मैं? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना, सफाई निस्फ ईमान है। हाँ बाबा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ। चल चल। ये हरगिज मुमकिन नहीं उमेर, मैं फुप्पो जान को किसी कीमत पर अपने घर नहीं रख सकती। इतने साल मेरा कसूर ना होते हुए भी मैंने उनकी नफरत का जहर पिया है, ये मुमकिन ही नहीं। सदफ तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब समझ आया फोन पर मेरी बात क्यों कराई थी अम्मी ने। मुझसे पूछ लेती, मुझे एतमाद में ले लेती, खुद ही डिसीजन ले लिया। यार कमाल की बात है, मैं अपनी फुप्पो को अपने घर पे नहीं रख सकता क्योंकि मेरी फुप्पो मेरी बीवी से चिढ़ती हैं और मेरी बीवी मेरी फुप्पो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार come on सदफ, चंद दिन की तो बात है। चंद दिन? चंद दिन बोलने में आसान लगते हैं, जिस पे गुजरते हैं ना उसे पहाड़ जैसे लगते हैं। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है ना, वो मैं नहीं भूल सकती। तुमने क्या किया है ये कभी सोचा है तुमने? तुम कौन सा आगे बढ़ गई? जैसा रवैया उनका तुम्हारे साथ, वैसा ही तुम्हारा उनके साथ। हाँ तो मुझे जरूरत में क्या है? तुम्हारे ख्याल में रिश्ते जरूरत के तहत निभाए जाते हैं? बस उमेर, मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। और तुम लोग कभी तरीका ना सीखना, ये सब फैलाया हुआ है, कौन सा बैठेगा ये सब? मुझे एक एक चीज अपनी जगह पे चाहिए, उठाओ इसे। क्या हुआ? मम्मा के कमरे की लाइट तो ऑफ थी और मैं अंदर गया नहीं, तो मम्मा सो रही होंगी। बर्थडे का खाना खाने है। चलो हैप्पी। उस्मान एक काम करते हैं, आज हम अफ्तारी मनाते हैं, शायद से मम्मा का मुंह ठीक हो जाए। अफ्तारी हम कैसे मनाएंगे? मैं फ्रूट काट लेता हूँ और नगर से लेता हूँ, तुम शेक बना लो। ठीक है, ऐसा करो तुम समोसे भी बना लेना। हाँ मैं समोसा बना लूँगा। उमर, मम्मा दादा पप्पू के साथ ठीक नहीं कर रही। तुम मम्मा को गलत कह रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर दादा पप्पू का रवैया उनके साथ ठीक नहीं और दादा पप्पू ने मम्मा के साथ बुरा किया है तो मम्मा भी उनके साथ वही कर रही है, बुराई का बदला बुराई से दे रही है। क्या कह रहे हो तुम लोग? हैला मम्मा अपना ड्राई दिया। वो मम्मा, बाबा आपसे नाराज, आप हमसे नाराज, तो हमने सोचा कि हम अफ्तारी बना लें, शायद से आपका मूड ठीक हो जाए। मेरे मूड का इतना ख्याल होता ना तो मेरे पीठ पीछे बातें ना करते। और कितना गंद मचाया है तुम लोगों ने, इतना टाइम इफ्तारी बनाने में नहीं लगता जितना इसे समेटने में लगेगा। चलो हटो यहाँ से, बाहर आओ। सदफ दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर की सफाई का अगर इतना ही ख्याल है ना तो अपने दिल की सफाई करो पहले। जिस दिल में कीना बुग्ज और नफरत होती है ना,
उसे अल्लाह पाक भी पसंद नहीं फरमाते। माफ करना सीखो। चलो बच्चों, हम अफ्तारी बाहर करेंगे आज। हेलो सानिया, क्या तुम अभी घर आ सकती हो? अभी क्या हुआ है सदफ, खैरियत तो है? रो क्यों रही हो तुम? हेलो उमर भाई, आए? बात हुई उनसे तुम्हारी? नहीं यार, अब रो तो नहीं। अच्छा मुझे तफसील से बताओ कि हुआ क्या था। गलती तुम्हारी है सदफ। सानिया तुम भी? हाँ मैं भी, दोस्त हूँ तुम्हारी, सही मशवरा दूंगी तुम्हें। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम अपने सलूक से उनका दिल अपनी तरफ कर लेती, लेकिन तुमने भी तो कोशिश नहीं की। रिश्ते ऐसे नहीं बनते सदफ, मोहब्बत, बर्दाश्त, नरमी, गर्मी, इससे बनते हैं। क्या तुम भूल गई कि हमारे नबी ने क्या फरमाया है? अगर झुक जाने या आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना। तो तुम बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? माफ कर दो उन्हें और उनका अमल उनके लिए छोड़ दो। तुम सही कह रही हो सदफ, जो अल्लाह के लिए झुक जाए ना, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। उम्र में वो बड़ी है, तुम अपने अमल से बड़ी हो जाओ। उमेर और बच्चे आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माँ आपने कुछ भी नहीं कहा? उमेर मुझे माफ कर दे, पप्पू जान को मैं मना लूंगी, वो जैसा रवैया रखेंगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तुम मुझे माफ कर, मैं तुम्हें नरमी से और प्यार से समझा सकता हूँ। जाने गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या कहा। दोनों हमें माफ कर दें और हमें अफ्तारी करा दें। बाबा ने हमें सिर्फ शेक पिलाया है और नमाज पढ़ के हमें सीधा करा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो फिर एक साथ अटैक।